अपने देश का गहना। पर्वत नदियां जंगल झरना, मस्त हवा और ऋतु सुहाना, कुदरत का अनमोल खजाना। ये है झारखंड, है अपना झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। ये है झारखंड, है अपना झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जोहार झारखंड में। जोहार झारखंड सफरनामा है इतिहास का, साझी सांस्कृतिक विरासत की तलाश का। हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको कुदरत के हसीन नज़ारों से रूबरू कराएंगे, विस्मित इतिहास के पन्ने खोलेंगे, विविधताओं से भरी झारखंडी संस्कृति की झलक दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सफ़र की शुरुआत के लिए पतरातू की खूबसूरत घाटी से बेहतर भला और क्या हो सकता है। रांची से 16 किलोमीटर की दूरी पर है प्राचीन राजाओं की नगरी पिठोरिया, और पिठोरिया से ही शुरू हो जाता है पतरातू का इस खूबसूरत घाटी का सिलसिला। घाटी समाप्त होते ही हमें मिलती है नलकारी नदी और उस पर बना है हेसला डैम। यहाँ से पीने का पानी रामगढ़ तक सप्लाई किया जाता है। इसी डैम के एक सिरे पर बना है CCL का खूबसूरत गेस्ट हाउस। और दूसरे सिरे पर है पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ से कुछ ही दूर पर है पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का जनता फ्लैग। यहीं रहते हैं श्री AK झा। और हाँ, पतरातू आने का हमारा एक मकसद आपको श्री AK झा से मिलवाना भी है। श्री झा झारखंड ही नहीं, देश के जाने माने मौसम विज्ञानी हैं और इन्हें ढेर सारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रकृति के जिन नियमों के आधार पर हमारा मौसम जो है सो संचालित होता है और नियंत्रित होता है, उनका अध्ययन ही मौसम विज्ञान है। इसलिए मौसम विज्ञान असल में प्रकृति के उन रहस्यों का उद्घाटन करना है जिन रहस्यों के आधार पर हमारा मौसम नियंत्रित होता है। ये मौसम विज्ञान है और ये सही विज्ञान है। दिलचस्प होगा श्री झा के इन उपकरणों को दिखाना, जिसकी मदद से ये मौसम का अनुमान विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। ये हैं रेन गेज और ये रहे इनके बैरोमीटर और थर्मोमीटर। पैसों का इंतजाम हो जाए तो ये कुछ और उपकरण जोड़ लें, लेकिन घबराइए नहीं, ये किसी से सहयोग राशि लेने के सख्त खिलाफ हैं। हमने चाहा कि मौसम विज्ञान से संबंधित
इनके गगन धरा सिद्धांत पर कुछ बातचीत की जाए, लेकिन आज तो ये कुछ दूसरे ही रंग में हैं। और करीब 200 वर्षों से यहाँ की भाषा ही हम लोगों की मातृभाषा है, थोरसा भाषा। तो मैंने अपनी खोजों से जो है सो पाया कि यहाँ की ऐसी भाषा जो कि आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों को जोड़ती है, जिसको संपर्क भाषा परिवार के सदस्य हम कह सकते हैं, तो इन सबों में आपस में भीतरी संबंध है, गहरा संबंध है। और वो किस प्रकार का संबंध है कि ये सभी जो है सो एक भाषा परिवार की हैं। मूल रूप में जो है सो इनके अपने शब्द, इनके बोलने के ढंग, इनके व्याकरणिक तरीका, ये सभी जो है सो आपस में मिलते हैं। और उन चारों संपर्क भाषा परिवार की भाषाओं का नाम है खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया और नागपुरी। और सिर्फ ये आपस में एक हैं ही नहीं, ये बल्कि संस्कृत से भिन्न भी हैं, ये भी साबित होता है। जैसे कर शब्द का अर्थ जो है सो अपने मौलिक रूप में 5 प्रकार का होता है झारखंड में। जैसे करे करे कर काट के ही कर आओ, कर ही आओ और कर ही बैठ। करे करे मतलब धीरे धीरे, कर काट के यानी बगल हो करके, ई कर आओ मतलब इधर आओ, कर ही आओ यानी धीरे आओ, और कर ही बैठ यानी पास में बैठो। इस तरह 5 अर्थ है। जबकि संस्कृत में इससे हट करके 4 अलग से अर्थ है, जिनका कि इन अर्थों से कोई मतलब नहीं है। संस्कृत में कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब होता है टैक्स, कर का मतलब हाथी की सूंड, और कर का मतलब चंद्रमा की किरण या सूरज की किरण। जैसे यहाँ क्रियापदों के उदाहरण को हम ले सकते हैं। जैसे करकरा, खरखरा, गरगरा, घरघरा, चरचरा, छरछरा, झरझरा, झरझरा, इन सबों के अपने मौलिक अर्थ हैं। तो इन सबों का व्यवहार जो है सो झारखंड की इन सभी भाषाओं में होता है। और इनके सबों के जो है सो अपने अपने अलग अर्थ हैं, विशिष्ट अर्थ हैं। करकरा जैसे जो है सो घी जैसी कोई चीज, वैसा तरल पदार्थ जब गर्म किया जाएगा और थोड़ी थोड़ी आवाज़ उसमें आएगी तो कहले घीवा करकराए लागले, समझे ना। खरखरा जैसे कि घास वगैरह में कोई चीज़ अगर जो है सो कोई चीज़ चल रही है, कोई आवाज़ वैसी आ रही है, तो उसमें जो है सो उस आवाज़ को कहने के लिए कहेंगे खरखराए लागले। गरगरा जैसे कि दूध वगैरह दुहने के समय में जो शब्द होता है वो कहता है गरगरा। घरघरा, घरघरा का मतलब कोई मशीन वगैरह चल रही है उसमें जो है सो जरा अप्रिय शब्द अगर हो जाता है या मशीन जब किसी तरह से अनियंत्रित हो जाती है तो जो उसको कहते हैं घरघराए लागले। और इनमें मतलब कि प्रत्यय जोड़ करके विभिन्न प्रकार के इनके रूप बनते हैं, क्रिया विशेषण या विशेषण, या जो है सो आपका ये क्या कहता है कि संज्ञा का अन्य रूप जैसे भाववाचक संज्ञा वगैरह। तो ये सब जो है सो थोड़ा थोड़े करके बनते हैं। और ये जो है सो अगणित हैं, हजारों हजार की संख्या में। इनके जो मौलिक शब्द हैं, ठेठ शब्द, वो एक जैसे उदाहरण के लिए सगर गाड़ी, एक ठोस लकड़ी का बना हुआ पहिया जो होता है उसके बीच में छेद करके जो कील पहनाई जाती है, तो उस प्रकार बैलगाड़ी का वो चक्का होता है उसको सगर गाड़ी कहते हैं। और ये सगर गाड़ी सिर्फ झारखंड ही में मिलेगा। झारखंड की अगल बगल में आप उड़ीसा में या जो है सो नवादा तरफ या उधर बंगाल तरफ चले जाएं, बंगाल के भीतर में उधर जो है सो उत्तर प्रदेश तरफ, तो सगर गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। और इस सगर गाड़ी का नमूना जो कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से भी मिला है, जो कि आज से 7000 साल पहले की पुरानी सभ्यता थी। तो चूंकि जो है सो वो सगर गाड़ी यहाँ झारखंड में हाल तक चलती रही, अभी भी कहीं कहीं मिलेगी, और उस सगर गाड़ी के नाम पर ही यहाँ रोड को भी सगरट कहा जाता है, यानी सगर गाड़ी चलने का रास्ता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ की भाषा और यहाँ की संस्कृति का आपसी मेल होने के साथ साथ, इसकी समृद्धि के साथ साथ, हम लोग ये भी पाते हैं कि इसका मूल बहुत प्राचीन है। बातचीत के सिलसिले में ही पता चला कि श्री ए के झा खोरठा के प्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार व नाटककार भी हैं। और यहाँ के बुद्धिजीवियों ने इन्हें झारखंड की संपर्क भाषा का व्याकरण तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। श्री ए के झा से मिलकर जो ऊर्जा का संचार होता है, काश पतरातू थर्मल पावर स्टेशन देखकर भी हुआ होता। कभी यह एशिया का एक बड़ा पावर स्टेशन हुआ करता था। अभी भी यहाँ के लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इसके पुराने दिन लौट आएंगे और यह राज्य के विकास में भरपूर योगदान देगा।
पतरातू थुरन पावर स्टेशन एशिया महादेश का सबसे बड़ा पावर स्टेशन था। यह सोवियत रूस की सहायता से बनाया गया था। 13 फरवरी 1963 को पंडित विनोदानंद झा के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। पावर स्टेशन ये अभी जो वर्तमान में है, ये उस जमाने का ओल्ड टेक्नोलॉजी था। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इसका भी विकास होना चाहिए। तो जितने भी यूनिटें हैं उसका मॉडर्नाइजेशन रेनोवेशन किया जाए, तो यह सचमुच झारखंड का एकमात्र सबसे बड़ा पावर स्टेशन बन सकता है। पतरातू से जब हम रामगढ़ की ओर बढ़े तो एक अलग ही नज़ारा था। याद रहे कि देश में होने वाले संपूर्ण उत्खनन का 40% कार्य झारखंड में ही होता है, जिसमें अधिकतर कोयला की खदानें हैं। अब हम पहुंचते हैं रामगढ़। इस शहर का नाम देश की जंगे आज़ादी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। सन 1939 में यहां कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। झारखंड के वृत्त उर्दू पत्रकार जनाब समरुल हक साहब को गर्व है कि वो इस महाधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। हम लोग वहां अपने भाई साहब व फादर के साथ और बहनोई के साथ वहाँ 3 दिन पहले गए थे। वहाँ इतना हजूम था साहब कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। इतना बाग से बीच में एक रोज बारिश हो गई, बारिश में इतना खलदल हो गया कि दुकान का सामान तैरने लगा, पानी में तैरने लगा। बहुत मुश्किल से लोगों ने बचाया। उसके बाद जब गांधी जी को मालूम हुआ कि यहाँ के ताजा भगत पैदल आ रहे हैं और अब पहुँचने ही वाले हैं, तो उन्होंने एक रोज सेशन बढ़ा लिया। कांग्रेस का ये महाधिवेशन काफी महत्वपूर्ण था। इसी मंच से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गरज सुनाई दी थी, संपूर्ण आजादी के लिए कोई समझौता नहीं। इस नारे की गूंज ने संपूर्ण भारत के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया था। देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाले महान राष्ट्रभक्त को सलाम करते हुए हमारा कारवां बढ़ता है रजरप्पा की ओर, छिन्न मस्तिका मंदिर के दर्शन को। स्थित है यह प्राचीन मंदिर। यहाँ देवी के उपासक भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। कोई यहाँ दर्शन करने, कोई मन्नतें मानने, कोई चढ़ावा चढ़ाने, तो कोई मन की शांति के लिए आता है। मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है और यहाँ सबको आना चाहिए मेरे हिसाब से। और झारखंड का बहुत
लोग हम मन्नत मांगे थे तो यहाँ पर आए, गाड़ी लिए हुए थोड़ा देर भी हो गया तो गाड़ी एक्सीडेंट मेरा कर गया, उससे फीस के लिए हम आए दोबारा यहाँ पे। हमारे घर में एक गाड़ी से चार गाड़ी हुआ, इसलिए श्रद्धा और क्या। माँ भगवती का 10 रूप का पंचम रूप माँ छिन्नमस्ता सिद्धपीठ सिद्धपीठ हुए, सिद्धपीठ माना जाता है। हाँ, माँ छिन्नमस्ता, इस देवी का नाम छिन्नमस्ता है। धर्म और धार्मिक स्थल बेचैन मन को सुकून और शांति देता है और निराश मन में आशा की किरण जगाता है। जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। जिन्होंने निराश होना सीखा ही नहीं, वे हैं विकलांग आवासीय विद्यालय लारी के शिक्षक और विद्यार्थी। गोला और चित्तरपुर के बीच अवस्थित सामुदायिक प्रयास से चलाए जाने वाले इस विद्यालय के अधिकांश शिक्षक एवं विद्यार्थी विकलांग हैं। इनका कहना है कि हम किसी से कम नहीं। देखिए इनके तेवर। यह विद्यालय इस बात का जीता जागता नमूना है कि आदमी में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन हो तो शारीरिक कमी बुलंदियों को छूने में कभी आड़े नहीं आती। यहाँ के 13 जिले के भी बच्चे हैं। यहाँ के टीचरों निःशुल्क सेवा करते हैं, हंसा खिला के रखते हैं कि ये घर का मनोबल भूल जाते हैं और स्कूल में ही रहते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है जोहार झारखंड, कैनवास रांची, 3D हेरा अपार्टमेंट, मेन रोड रांची, 83401 झारखंड। आज का सफर यहीं खत्म होता है। इसी समय इसी दिन आपसे फिर मिलेंगे एक नए मकाम पर। तब तक के लिए जोहार। ये धरती देश के दीवानों की है, मेहनत कश इंसानों की, मादर की थाप और गीतों की और हजारों रंग के फूलों की। ये है झारखंड, है अपना झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। ये है झारखंड, है अपना झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड।